भगत जनों, कलयुग अवतारी नानक निरंकारी जी की अगली मुलाकात हुई पुरी में श्री चैतन्य महाराज से। गुरु नानक देव जी बंगाल से जगन्नाथ पुरी उस मार्ग से गए जिस मार्ग द्वारा बंगाल के वैष्णव यात्री इस प्रसिद्ध तीर्थ के दर्शन को जाया करते थे। जून जुलाई में यहाँ रथ यात्रा का बड़ा भारी मेला लगता था। इस मेले पर पहुंचने के लिए गुरु नानक देव जी भी चल पड़े। पटना से गंगा पार करते हुए वह मुर्शिदाबाद, ब्रह्मपुर, कृष्णानगर, राणाघाट होते हुए हुगली नदी द्वारा कलकत्ता में पहुंचे। 16वीं शताब्दी में हुगली नदी पर तीन गांव थे, चुटानी, कालीघाट और गोविंदपुर, जो मिलकर आज का कलकत्ता महानगर बन गया। यह क्षेत्र घोर बियाबान जंगल और मच्छर और बीमारियों से घिरा हुआ था। 1870 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करनी चाही, उनके बहुत से कर्मचारी बीमार होकर मर गए। भगत जनों, गुरु नानक जी ने हुगली तट के समीप आकर विश्राम किया। उस समय कलकत्ता एक छोटा सा नगर था, जिसके इर्द गिर्द कीचड़ और मच्छर बहुत था। गुरु नानक ने इस स्थान को भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान समझा। यहाँ पर प्रचार केंद्र मंजी स्थापित की, जिसको अब तक बड़ी संगत के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उदासीन नेता श्री अलमस्त को इसी क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भेजा था। गुरु तेग बहादुर जी ने इस ऐतिहासिक स्थान के समीप छोटी संगत गुरुद्वारा स्थापित किया। बड़ी संगत कलकत्ता का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थान है। कलकत्ता से गुरु जी बर्दवान में गए, यहाँ का राजा श्रद्धालु हुआ। तत्पश्चात इस वंश के राजा गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य हुए, इसीलिए इस वंश के राजाओं को अब तक खालसा राजा कहा जाता है। संभव है इनका संबंध तख्त श्री पटना साहिब के खालसा संगठन के साथ रहा हो। गुरु नानक का पवित्र स्थान बर्दवान स्टेशन के समीप ही है। भगत जनों, गुरु नानक मेदनीपुर ठहर कर जलेश्वर, रूपसा, बलासोर होते हुए कटक पहुंचे। कटक का तत्कालीन राजा भैरवी देवी का उपासक था। जब उसने गुरु नानक के दर्शन करके शक्ति उपासना को त्याग दिया, तो उसका गुरु चैतन्य भारती बहुत क्रोध में आया। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से गुरु जी को मार देने की धमकी दी, परंतु गुरु जी शांत हृदय और स्थिर होकर बैठे रहे। 2 दिन तक इसने अपनी मंत्र शक्ति चलाई, परंतु इसकी एक ना चली। गुरु बाबा के कीर्तन की ध्वनि की गुंजार जब इसके कानों में पहुंची, तो उसका क्रोध शांत हो गया। उसकी तांत्रिक शक्तियां इन आध्यात्मिक ध्वनियों के सन्मुख शक्तिहीन हो गई। चैतन्य भारती एक छोटा सा पौधा गुरु जी की सेवा में भेंट देने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह पौधा इस बात का भी सूचक था कि प्रकृति की समस्त शक्तियां गुरु नानक के अधीन हैं। वह शरणागत हुआ। उसका पौधा वहीं पृथ्वी में काट दिया गया, जो वृक्ष के रूप में आज भी विद्यमान है। भगत जनों, प्रताप रुद्रदेव उड़ीसा का राजा था, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ। यह बहुत विद्वान भी था। उसके राज्य में बौद्ध एवं वैष्णव हिंदुओं के राज धर्म पर प्रभुत्व जमाने के लिए भारी संघर्ष चल रहा था। कभी बुद्धों का पल्ला भारी हो जाता तो प्राय राजा वैष्णवों के साथ अन्याय करता, और जब कभी वैष्णव पंडित बुद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देते, तो शासक राजा बुद्धों के विरुद्ध हो जाता। परंतु जब 1511 ईस्वी में गुरु नानक देव जी यहाँ पहुंचे,
तो प्रताप रुद्रपुरी पूर्णतः उक्त वैष्णव महापुरुष के प्रभाव में आ चुका था। श्री चैतन्य 1520 ईस्वी के उपरांत ही पुरी में स्थित रहे। बंगाल के नवाब सुल्तान हुसैन शाह ने इस्माइल गाजी के सेनापतित्व में बड़ी भारी सेना उड़ीसा में भेजी, जिसने 1509 में पुरी नगर पर आक्रमण किया। जगन्नाथ पुरी के पुजारी अपनी मूर्तियां उठाकर नगर व तीर्थ छोड़कर भाग गए और कई एक पत्थर की मूर्तियों को चिल्का झील में छिपा दिया। मुसलमान सैनिकों ने पुरी के मंदिरों को बहुत हानि पहुंचाई। तब कृष्ण देव राज विजयनगर में जो राजा राज करता था, इसने 1512 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण किया और उसने गोदावरी नदी के दक्षिण का संपूर्ण क्षेत्र प्रताप रुद्रदेव से ले लिया। इस तरह इन वर्षों में प्रताप रुद्र की सब प्रकार से राजकीय हानि हुई और वह कई प्रांतों से हाथ धो बैठा। परंतु यह संस्कारी राजा विद्वानों और महापुरुषों का बहुत आदर करता था। उड़ीसा में इस समय प्रताप रुद्रदेव के तत्वाधान में कतिपय विद्वानों ने उड़ीसा में बहुत सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: लोला लक्ष्मी धारा, जिसने सौंदर्य लहरी की व्याख्या की, कविदम कर्ता भक्ति वैभावा, नाटककार रामानंद, पंडित गोदावरा मिश्रा, जिसने योग चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है। भक्तजनों, कटक से पुरी में गुरु नानक देव रथ यात्रा के वार्षिक मेले पर पहुंचे, जो कृष्ण जी के जीवन की कथा से आखेटक से संबंधित है। कृष्ण जी एक आखेटक के तीर से घायल होकर प्राण त्याग देते हैं। उनकी देह वहां पड़ी पड़ी इतनी छिन्न भिन्न हो गई कि केवल कुछ अस्थियां ही शेष रह गई। कुछ श्रद्धालुओं ने उनकी हड्डियां एक संदूकची में संभाल कर रखी। एक राजा इंद्र धूम्र को विष्णु ने स्वप्न में आदेश दिया कि कृष्ण जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाए और कृष्ण जी की अस्थियां उस मूर्ति में रखी जाएं। यह कार्य विश्वकर्मा के सुपुर्द किया गया। उसने इस कार्य को इस शर्त पर करना स्वीकार किया कि जब वह मूर्तियां बनाता हो उसके कार्य में कोई विघ्न ना डाला जाए। 15 दिनों के उपरांत राजा इंद्र धूम्र परेशान हो गया। उसने विश्वकर्मा से पूछा कि कब तक मूर्ति तैयार हो जाएंगी, देर क्यों हो रही है। विश्वकर्मा उस कार्य को वहीं अधूरा छोड़कर चला गया। इस मूर्ति के ना हाथ पांव बन सके और ना ही कोई और अंग। राजा ने ब्रह्मा के सन्मुख इस मूर्ति को पूर्ण करने की याचना की। ब्रह्मा ने इस मूर्ति को आंखें प्रदान की और आत्मा भी। उसने वर दिया कि बिना हाथ पांव के ही यह मूर्ति संसार में प्रसिद्ध होगी। रथ यात्रा आषाढ़ के द्वितीय तिथि को होती है। रथ में 4 मूर्तियों का बड़ी साज सज्जा के साथ जुलूस निकाला जाता है। 3 रथों पर 4 मूर्तियां रखी जाती हैं: जगन्नाथ, कृष्ण जी, ब्रह्मा, सुभद्रा और बलराम। लाखों की संख्या में यात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। प्रत्येक वर्ष के ये 3 रथ नए बनाए जाते हैं, फूलों से सजाए जाते हैं और यात्री लोग अपने हाथों से इन रथों को खींचते हैं। पुरी का राजा रथ के आगे आगे झाड़ू देता हुआ चलता है। 8वें दिन यह रथ धूमधाम से वापस लौटता है। भक्तजनों, यह मेला गुरु नानक के लिए अपने सिद्धांतों के प्रचार करने का एक स्वर्ण अवसर था। जहां भी मूर्ति पूजा या कर्म कांडमय रीतियों का प्राबल्य होता, वहां गुरु नानक उनके नियमों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कर देते जिन्हें देखकर वे पांडे पुजारी लोग भूखे बाघ की तरह उनके पीछे टूट पड़ते। परंतु गुरु नानक का तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी ज्ञानपूर्ण वाणी, उनके सत्योपदेश, उनकी निर्भय आलोचना
कट्टरपंथियों के एक एक अन्याय, अत्याचार और धूर्तता को नंगा करके रख देते थे। उनके सन्मुख जीवन तत्व की वास्तविकता को इस प्रकार निखार कर रख देते कि वे निरुत्तर हो जाते। भगत जनों, सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान से पूर्ण गुरु नानक देव जी ना तो इन पंडा पुजारियों की वाद विवाद में कोई बात चलने देते और ना ही आचार विचार की पूर्णता में। उनकी संगीतमय वाणी जीवन के परम तत्व को कठोर से कठोर हृदयों में उतार देती और इस नए सुझाव के अधीन सभी विरोधी मौन हो जाते, सभी का कायाकल्प हो जाता। जब जगन्नाथपुरी में गुरु महाराज पहुंचे तो यहाँ मुख्य मंदिर में रात को आरती प्रारंभ हो गई। जन्म साखी में लिखा है, तब मर्दाने को बाहर बैठाकर बाबा जी जगन्नाथ के द्वार पर जाकर बैठ गए और पांडे जगन्नाथ की आरती करने लगे। बाबा जी समाधि लगाकर बैठे रहे। अब पंडा लोग आरती हो जाने पर बाबा जी के पास आकर बैठ गए और कहने लगे, जान पड़ता है आप यात्री हैं। हमने जब महाराज की आरती की तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, एक तो ईश्वर की आरती है और हम जीवों की आरती है। आप जीवों की आरती में संलग्न थे। मैं अगम निगम परमेश्वर की आरती उस समय कर रहा था। आप अवतार और मूर्ति की आरती उतार रहे थे। मैं निराकार की आरती उतार रहा था। पंडों ने हैरान होकर पूछा, वह कौन सी आरती है जो आप करते थे? तब गुरु नानक देव जी ने धनासुरी राग में अपनी वाणी उच्चारण की। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मूर्ति, तूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। गुरु नानक की इस आरती ने उनके मन और आत्मा के चारों ओर एक ज्योतिमय प्रकाश से आलोकित और सुगंधित ब्रह्मांड का एक चित्र खींच दिया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य दीपक बन गए। तारकाओं से भरा आकाश चमकता हुआ थाल बन गया और पवन चवर करती हुई अनुभव हुई। कितनी सुंदर थी यह प्रकृति की प्रतिदिन हो रही कर्ता पुरुष की आरती। इस आरती द्वारा गुरु नानक ने यह शिक्षा दी कि सृष्टि में दो ही उपास्य और समझे जाने योग्य तत्व हैं, एक प्रभु जो प्रकाश स्वरूप और अनहद संगीतमय है, दूसरी प्रकृति जिसमें प्रभु की अनंत कला व्याप्त है। इन दोनों को समझें और इन दोनों की उपासना किए बिना कोई धर्म सफल नहीं हो सकता। पंडा लोग मौन हो गए और वैराग्य में आकर उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार किया। जगन्नाथपुरी के राजा कृष्णलाल ने जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने बाबा नानक के नाम की एक धर्मशाला निर्माण करवाई, जो अब तक वहां विद्यमान है। जगन्नाथपुरी के प्रमुख पुजारी ने, जिसका नाम कलयुग था, गुरु जी की ही शरण ली। जन्म साखियों में बाबा नानक की कलयुग से भेंट का प्रसंग लिखा है। यह कलयुग पुरी का प्रमुख पुजारी था, जिसकी संतान अब तक गुरु नानक की धर्मशाला की संभाल करती चली आ रही है। भगत जनों, जन्म साखियों ने इस विषय में सर्वथा काल्पनिक कथा घड़ ली। कलयुग जो जगन्नाथपुरी का प्रमुख पंडा था, इसलिए भेंट पूजा का अधिकांश भाग उसी को प्राप्त होता था। इसके मन पर गुरु साहब की वाणी और उपदेशों का इतना प्रभाव हुआ कि यह दूसरे दिन ही हीरे रत्नों का थाल भरा हुआ लेकर गुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया, परंतु उन्होंने रत्नों के थालों के प्रति यह शब्द उच्चारण किया और लेने से इनकार कर दिया। मोती ता मंदर उसरे, रत्नी ता हुए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन
लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर नाही थाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ, तेरा चित न आवे नाओ। कल युग गुरु जी की धन धाम और राजकीय ऐश्वर्य से निर्लिप्त देखकर दंग रह गया। गुरु महाराज की दृष्टि में कलयुग के हीरे लाल रतन तुच्छ पदार्थ थे और उनके जीवन आदर्शों के लिए व्यर्थ थे। कलयुग ने अपनी सब संपत्ति गुरु जी के सिद्धांत के प्रचार में लगा देने का निर्णय कर लिया। यहाँ मीठे पानी का अभाव था। गुरु जी ने अपने आशा के साथ एक स्थान पर निशान लगाया और वहाँ बावली खोदी। यह मीठे पानी का कुआं अब तक विद्यमान है। पुरी के प्रचार की मंजी गुरु महाराज ने कलयुग को दी। भगत जनों, अब तक के इतिहासकारों को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि गुरु नानक देव जी का श्री चैतन्य के साथ भी मिलाप हुआ। कटक की प्राचीन स्मृति पुस्तकालय में एक उड़िया हस्तलिखित प्रति है जिसको चैतन्य भागवत के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक का नाम है ईश्वरदास। यह दो भागों में है। एक बंगाली विद्वान ने यह बताया कि इसमें गुरु नानक के संबंध में कुछ लिखा है। जब इसमें गुरु नानक और श्री चैतन्य के मिलाप और परस्पर प्रेम का यथार्थ मैंने पढ़ा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। इस वर्ष से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पुरी में स्थायी रूप से रहने लग गए थे। रथ यात्रा के मेले में भाग लेने के लिए श्री चैतन्य के प्रसिद्ध शिष्य रूप सनातन, जगाई, मधाई यहाँ पधारे थे। वैसे ये शिष्य बहुत कम पुरी में आते थे। रूप तथा सनातन तो शायद एक दो बार ही पुरी में आए हों। चैतन्य भागवत में ईश्वरदास ने गुरु नानक और चैतन्य के सम्मिलित सत्संग और मिलाप के विषय में छंद लिखा है उड़िया भाषा में। श्री निवास जे विसंभर कीर्तन मध्य विहार, नानक सारंग ए दुई रूप सनातन द्वे भाई, जगाए मधाए एकत्र कीर्तन करंत ए नरित्र। चैतन्य भागवत। श्री पूज्य चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में गुरु नानक और उनके साथी सारंग के साथ मस्त मगन हो गए। इस कीर्तन के समय श्री चैतन्य के साथी रूप सनातन दोनों भाई भी थे। जगाए मधाए भी इस सत्संग में थे। ये कीर्तन करते थे और वैष्णव साथी नाचते थे। नागर पुरुषोत्तम दास, जंगली नंदिनी तापास, नानक सहते गहन गोपाल गुर संग तेन, संगे ते भगत बलराम बिहारी नीलगरी ताम। भगत जनों, इस कीर्तन मंडल में जिसमें श्री चैतन्य और गुरु नानक कीर्तन करते थे, नागर पुरुषोत्तम भी था। श्री चैतन्य के शिष्य जंगली नंदिनी भी उनके पास थे। यहाँ ही गोपाल गुरु भी था जिनका गुरु नानक से अनन्य भक्ति भाव हो गया। यहाँ ही नित्यानंद प्रभु भी था जिसको बलराम का अवतार समझा जाता है। इन सभी ने मिलकर नीलगिरी धाम जगन्नाथपुरी में कीर्तन किया। यह ग्रंथ 16वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक के यहाँ पहुँचने के कुछ वर्ष उपरांत ही लिखा गया था। इस ग्रंथ के अध्याय 47 में लेखक ने लिखा है कि गुरु नानक की सेवा के लिए श्री चैतन्य ने अपने सेवक उदियाता को नियुक्त किया। इससे पता चलता है कि श्री चैतन्य के हृदय में गुरु जी के लिए महान श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया था। श्री चैतन्य और गुरु नानक का मिलाप 1512 ईस्वी अथवा इसके एक दो वर्ष पश्चात भी अनुमान किया जा सकता है, पहले नहीं। भगत जनों,
रूप और सनातन अपने जीवन में केवल एक दो बार पुरी में गए। यदि यह पता चल जाए कि ये विद्वान बनारस से किस वर्ष रथ यात्रा के दर्शन के लिए पुरी में गए थे, तो हमें श्री चैतन्य और गुरु नानक के मिलाप का निश्चित संवत और मास का भी पता चल जाएगा। चैतन्य भागवत ग्रंथ में गुरु नानक के एक साथी का नाम सारंग दिया गया है। जान पड़ता है यह बाबा नानक का कोई बंगाली सत्संगी था जो पुरी में जाकर प्रसिद्ध हुआ। इसके उपरांत गुरु नानक का पुरी में प्रभाव बहुत देर तक रहा। गुरु अर्जन देव जी के समय में एक विद्वान हुआ जिसका नाम राम नारायण मिश्रा था। इसने बंगाली भाषा में दशम स्कंध, जिसमें कृष्ण चरित्र है और जिसका अनुवाद दशम सत्य गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ में किया है, उसका उड़िया अनुवाद किया। उड़िया अनुवाद आरंभ करने से यह लेखक गुरु नानक को अपने ग्रंथ में इस प्रकार नमस्कार करता है, बंदे श्री नानक गुरुन सतग बोध गुरुन गुरुन। राम नारायण मिश्रा भाव भाविक मंगला चरण नमस्कार और वंदना है। मेरी गुरु नानक देव जी को जो सभी वेदों का ज्ञाता है और सब गुरुओं का गुरु है, उसके शिष्य महान जगत गुरु के सिख कहलाते हैं। नाम नारायण मिश्रा डंके की चोट से दो प्रशंसाएं गुरु महाराज की करता है। एक वह कि वे वेद शास्त्रों के परम ज्ञाता थे, दूसरे ये कि वे गुरुओं के गुरु जगत गुरु थे। चैतन्य भागवत में लिखा है कि श्री चैतन्य का शिष्य गोपाल गुरु, जिसको बलराम का अवतार मानते थे, गुरु जी का बहुत श्रद्धालु हो गया। इसने सतगुरु की सेवा बहुत दिल से की और इसने गुरु महाराज से बहुत ही विचारों में भी अपना मन जो है जोड़ लिया। यदि गोपाल गुरु संबंधी कोई पुरानी रचना मिल जाए तो उसमें हमें और भी जानकारी मिल सकती है कि गुरु नानक महाराज का पुरी के संत महंत भक्तों पर कैसा प्रभाव हुआ। भक्तजनों, जगन्नाथपुरी तत्कालीन वैष्णव भक्तों का केंद्र था। कुछ शताब्दी पूर्व यह बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था। चैत मास में जिस दिन आजकल रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, सम्राट अशोक के समय और बहुत समय उसके बाद भी यहाँ महात्मा बुद्ध के एक दांत की शोभा यात्रा होती थी। चीनी यात्री फाहन सेन ने 7वीं शताब्दी में यह महात्मा बुद्ध के दांत का जुलूस स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यह जुलूस का बड़ा यथार्थ चित्र उसने दिया है। जान पड़ता है कि जब वैष्णव राजाओं ने इस स्थान पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया तो उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर वहां कृष्ण की अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया। इसको पूज्य बनाने के लिए काल्पनिक कहानी गढ़ ली। महात्मा बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर कृष्ण की अधूरी मूर्ति की पूजा होने लग गई। जैसे और दिन जिस दिन महात्मा बुद्ध के दांत की शोभा यात्रा मनाई जाती थी, उसी प्रकार उसी दिन उसी ढंग से कृष्ण की मूर्ति की रथ यात्रा निकलने लग गई। इस स्थान पर रामानुज, रामानंद, कबीर और अनेक महापुरुष वैष्णव आते रहे। समय के प्रभाव ने इस बुद्ध मत के केंद्रीय स्थान को वैष्णव मत का केंद्र बना दिया। गुरु नानक की धर्मशाला उदासियों की संतान के अधिकार में है। इन्होंने आजकल गुरु ग्रंथ की भीड़ के साथ साथ श्रीचंद और उदासी महंतों की मूर्तियां भी वहां पर रखी हुई हैं। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।